अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सारे ठीक ठाक होंगे, खुश पा होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में ना हम कुछ कुकिंग का कर रहे हैं, ना हम कुछ आपको दिखाने लगे हैं विजिटिंग प्लेस, और ना ही कुछ चैलेंज है। आज हम आपको कीवा, आई थिंक कहते केवा केवा कवा कवा ईजिली बनाना सिखा रहे हैं, ग्रीन टी बनाना सिखा रहे हैं। ये है वेट लूज के लिए बेस्ट थिंग, ठीक है जी। अभी मामा ने 1 टेबल स्पून आई थिंक डाली है शुगर, ब्राउन शुगर डाली है, और अगर आप चाहें तो आप शहद डाल सकते हैं। वाइट शुगर मत डालिएगा क्योंकि वाइट शुगर आपको पता है ना फैटनेस होता है, ये सारा कुछ अच्छी नहीं है ना। तो ब्राउन शुगर भी मैं तो ना ही डालूँ, पर मैं सिर्फ शहद डालूँ, हनी मीन्स के हनी डालूँ सिर्फ, ठीक है जी। तो मामा ने तो डबल डबल डाली है, अल्लाह माफ़ करे, इतनी ज़्यादा बहुत स्वीट है ना, बहुत स्वीट करती है। एंड सेकेंड थिंग कि इसके कावा बनाए कैसे। इसमें मामा ने डाले हैं नींबू के छिलके, ठीक है, लेमन के छिलके, और पानी को उबाल के ये सुबह सुबह आप खाली पेट पिए, ठीक है जी। रोज़ की रूटीन बना दीजिएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी आप महसूस होंगे, फ़र्क होएगा महसूस आपको। आप अंदर से फील करेंगे हल्का हल्का, फिर बाहर से भी हल्का हल्का फील करेंगे। मामा को काफ़ी दिन से हो गया, डेज हो गए, तो फील होता है मामा काफ़ी मतलब आहिस्ता आहिस्ता पतली हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये छोटी सी वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और ज़रूर ट्राई करके कमेंट करना कि कैसा था आपका प्रोसेस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है जी। गाइस इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।